पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद की बिसौली तहसील की आप देख रहे हैं बगरैन में। यहां आप देख रहे हैं कि करबला पर यहां कुश्ती का जो आयोजन हुआ है, यहां मेला है, बड़ी संख्या में यहां दर्शक हैं। आप देख रहे हैं कुश्ती बाकायदा, आप देख रहे हैं जो यहाँ दर्शक हैं उनमें एक अलग जोश बना हुआ है। आप देख रहे हैं, देखिए सामने पहलवान, यहाँ जो पहलवान हैं आप देखिए, पहलवान बड़ी बहुत ही सुंदर तरीके से जो पहलवान हैं वो कुश्ती लड़ रहे हैं। देखिए हमारे आंवला से, बरेली जनपद की तहसील आंवला से ओमपाल सिंह दद्दा जो कि बहुत पुराने पहलवान हैं, वो भी इस कुश्ती के लिए जो यहाँ के जो कुश्ती कराने का जो जिम्मा है वो ओमपाल दद्दा जी। देखिए हमारे साथ जो कार्यक्रम में जो सहयोग कर रहे हैं ओमपाल दद्दा जी, जानते हैं ये कहाँ का कार्यक्रम है? ये बगरैन, और इसमें राष्ट्रीय एकता कुश्ती प्रोग्राम चल रहा है। इसमें राजस्थान के, पंजाब के, हरियाणा के, मुजफ्फरनगर के, बहुत बहुत दूर के पहलवान यहाँ इकट्ठे हैं, और यहाँ राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है ये, हिंदुस्तान की एक सांस्कृतिक धरोहर है, इसको हम लोग बनाए रखने में प्रयास कररत हैं। और यहाँ पर बहुत ही गंगा जमनी तहजीब का दंगल है, यहाँ किसी को बहुत ही ईमानदारी के साथ कुश्ती लड़ने का मौका किया। जो स्थान बोला जाता है बगरैन में, वहाँ भी आपने देखा बड़ी पूरे प्रदेश के अलावा भी कई अन्य प्रदेशों से पहलवान यहाँ आए हुए हैं, बड़ी संख्या में यहाँ दर्शक भी हैं। आइए हम जानते हैं, यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं, समाज से भी हैं, आइए जानते हैं इस जो प्रोग्राम है इसकी महत्ता के बारे में जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? अकरम अली जी। क्या प्रोग्राम है यहाँ पर? उरस लगता है जी। कब से लगता है ये? करीब लगता है 2001-2 से लगता है। क्या क्या कार्यक्रम होते हैं यहाँ पे? झूले भी आते हैं, और कुश्ती का ही प्रोग्राम होता है, और कब्बाली भी होती है, कब्बाली का ही प्रोग्राम होता है। कितने समय तक कितने दिन? ये समझ लो 27 मई से शुरू होता है और 1 तारीख को खुल होता है। तो यहाँ कितनी कितनी दूर से लोग आते हैं? बहुत बहुत दूर से आते हैं। देखिए और भी हमारे साथ, और भी हमारे साथ कुछ यहाँ के लोकल के लोग हैं, आइए हम उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? नहीम। नहीम जी, क्या प्रोग्राम है? ये जो जगह पे लगा है, मेरी जगह पे लग रहा है। लेकिन ये जो है मेला, सिर्फ मेला की अनुमति मैंने दी है। उरस लगता है, सिर्फ उरस लगता था, मेला नहीं लगता था पहले। जो 21 वर्ष ये बता रहे हैं, 21 वर्ष नहीं लगता था, सिर्फ कुल होता था यहाँ। मेला जो अभी से लगना चालू हुआ है, ठीक है, अभी से कुछ नहीं है। अरे सुनो, नहीं मेला नहीं लगता था, जो बात है वो रखो। देखिए कुछ और भी यहाँ जो क्षेत्रीय लोग हैं, हम उनसे भी जानते हैं कार्यक्रम की भव्यता के बारे में। हम आइए उनसे भी जानते हैं, आइए आइए हम उनसे भी जानते हैं। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, आइए हम जानते हैं। जी क्या नाम है? लालू सिंह। लाखों लोग आपको देख रहे हैं, क्या प्रोग्राम है ये? काफी पुराना यहाँ पर उर्स लगता है, और ये सांप्रदायिक सौहार्द का एक प्रतीक है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी लोग आते हैं, कुश्ती भी होती है, रात को कब्बाली भी होती है। मेले में तमाम तरह की बच्चों के, बूढ़ों के झूले हैं, और बाकी सब चीज़ है। सारे क्षेत्र के लोग यहाँ आते हैं, काफ़ी पुराना ये मेला। जैसा कि आप भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से मंडल अध्यक्ष हैं, और बहुत ही अच्छी बात है यहाँ सौहार्द से जो त्यौहार मनाया जा रहा है, तो लाखों लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये वो मैंने बता दिया कि
इस कमेटी के सभी आयोजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये 5-6 दिन का उर्स होता है, सभी अच्छे तरह से मनाते हैं इसको। इसमें हिंदू भाई भी शरीक होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं, और यहाँ पर कोई आपसी मतभेद नहीं है। सभी लोग मिलके इसको कार्यक्रम को संपन्न कराते हैं। यहाँ दंगल का कार्यक्रम लगता है, और मैं तो लगभग हर दिन यहाँ आता हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ। देखिए और भी यहाँ जो लोग हैं, आइए हम उनसे भी जानते हैं। हेलो, मैं ग्राम प्रधान बगरैन वर्तमान का, मैं ग्राम प्रधान बगरैन वर्तमान में गुलाम नबी। यहाँ उर्स 2002 से लगता है, और सारे लोग जो भी हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, हिंदू मुस्लिम सारे लोग। ये हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे ओमपाल दद्दा जी हैं, हम पत्रकार बंधु हैं सारे लोग। सभी गाँव में जितने भी यहाँ और पास के गाँव हैं, सब आकर के यहाँ मेला का उत्पन्न करते हैं, और दंगल भी काफ़ी लोग दूर दूर से आते हैं, दंगल को भी देखते हैं यहाँ आकर के। हंसी खुशी से सब कुछ ये मेला बढ़ चढ़ सके, सारे लोग हिस्सा लेते हैं जी। जैसा कि हमने भी आज देखा, बहुत ही भव्य दंगल का जो आपका प्रोग्राम था, काफ़ी दूर से आपके यहाँ पहलवान आए थे, तो लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं। जानना चाहेंगे जो देव होता है, इसके लिए कौन वाहन करता है? ये तो सभी लोग, हम जो भी हैं कंपनी उसके कमेटी के सदस्य हैं, सब बुलाते हैं इन लोगों को, और बुलाने के बाद में सारे अपना दंगल के लिए सारे प्रशासन जो भी है, प्रशासन भी है, सारे लोग मेहनत मदद करते हैं। प्रधान जी, आप यहाँ के बहुत ही मौजूद आदमी हैं, ग्राम प्रधान हैं, लाखों लोग आपको देख रहे हैं, और ये जो उर्स का जो पर्व आप मना रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारे धन्ना सबाबा हैं, इनके लिए उर्स लगता है, ये 2002 से सब लोग आते हैं यहाँ, मन्नतें भी पूरी होती हैं, लोग दुआ दिल से मांगते हैं, तो यहाँ दुआएँ भी पूरी होती हैं इनके जरिए से, तो उन्हीं के नाम से ये उर्स लगता है, और सारे लोग जो है हंसी खुशी से बढ़िया करके चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेते हैं, और सब हिंदू मुस्लिम सारे लोग आते हैं यहाँ पर हमारे, इसकी धन्ना साहब बाबा के नाम से ही उर्स हमारे यहाँ 2002 से होता चला आ रहा है, और आगे भी होता रहेगा। देखिए कुछ और भी हमारे साथ लोग हैं, आइए हम उनसे भी जानते हैं। जी, मेरा नाम वेदपाल सिंह है, ये 21वां बाबा धन्ना साह का 21वां बाबा धन्ना साह का उर्स चल रहा है। इस उर्स पे सभी धर्म के लोग आते हैं। यहाँ मान्यता ऐसी है कि यहाँ जो लोग सच्चे दिल से मानता है, चादर चढ़ाता है, सभी धर्मों, जो हिंदू हो मुसलमान, उसकी मन्नत पूरी होती है। खासकर यहाँ दंगल बहुत मशहूर है, जिसमें अपने जिले छोड़, अपने प्रदेश छोड़, दूसरे प्रदेश के लोग आते हैं, जो आपने देखा भी आज कि दूसरे प्रदेश के लोग आते हैं दंगल में, और यहाँ बाजी मारते हैं, और यहाँ बहुत अच्छा उनको पुरस्कार भी दिया जाता है, और मिलजुल के पूरा यह मेला लगाया जाता है। बिसौली तहसील का सबसे बड़ा उर्स मेला, मेले का मतलब हो आपसी मेल, आपसी मतभेद को बुलाना, मेले में रहना, भारतीय संस्कृति की पहचान है, वही धन्ना साहब उसमें आज दिखाई दे रही है। जैसा कि यहाँ बड़ी संख्या में हिंदू समाज के भी लोग हैं, और जैसा कि वास्तव में आपने बताया कि बिसौली क्षेत्र का सबसे बड़ा ये कार्यक्रम उर्स का कार्यक्रम है, लाखों लोग इस वक्त देख रहे हैं। वेद सिंह जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप संदेश देना चाहेंगे? यहाँ पे लोग आए धन्ना साहब बाबा के मजार पे आए, यहाँ पे अपनी मन्नत पूरी, अगली बार उर्स लगेगा, आपको यकीन होगा जब आप मन्नत मांगे तो अगले साल जब पूरी होगी तो आप और संख्या में आएंगे। तो मैं चाहूँगा जहाँ मेले में आए, उर्स में आए, दंगल देखें, अपने श्रद्धा अनुसार यहाँ प्रसाद चढ़ाएं, चादर चढ़ाएं, और मेले का आनंद उठाएं। देखिए और भी हमारे साथ एक वरिष्ठ महानुभाव हैं, आइए हम उनसे भी जानते हैं। स्वागत है, बताइए। मैं इस दंगल के जो कमेटी है वो गंगा जमुनी तहजीब कमेटी है, और हम इस दंगल के और मेले के संरक्षक के रूप में, क्योंकि हम बुजुर्ग हैं, आंवला हो या बिसौली हो, तो अधिकतर लोग चाहते हैं कि दद्दा एक बुजुर्ग की हैसियत से, एक संरक्षक की हैसियत से काम करें। कभी भी कमेटी में कोई मतभेद नहीं होता, और कोई नकाद हो भी जाए तो दद्दा उसको सबको एडजस्ट करके मेला लगाते हैं। हम कई सालों से यहाँ दंगल के संरक्षक रहे हैं, और मेले में बहुत ही यहाँ पर मन्नतें मांगती हैं लोग, पूरी होती हैं, और जो इसका विरोध करते हैं उनका विनाश भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ बड़े सच्चे पीर बाबा का उर्स होता है, क्योंकि जो इसकी मन्नत मांगते हैं, इनका सहयोग करते हैं, उनके कल्याण हो जाता है, इसी लिए से बहुत लोग यहाँ आते हैं, और आप लोग भी आए हैं, इसको पूरे मेला कमेटी और मेले के लोग सब लोग आपको धन्यवाद के पात्र हैं कि आप हम लोगों के बीच में इतने इतने बड़े झूले, इतने इतने बड़े मौत के कुआं, और ये सब इतने आयोजन हो रहे हैं, जो आपने यहाँ आकर हमारे आयोजन में शोभा बढ़ाई है। और रात को कव्वाली बहुत ही अच्छे तरीके से कव्वाली आती हैं, पूरे क्षेत्र के बिसौली बजीगंज आंवला के लोग कव्वालियों को सुनने आते हैं, मुकाबला होता है, और लोग यहाँ पर बहुत प्रशंसनीय कार्य होता है,
और आगे चल के ये उर्स, मुझे ये अंदाज है कि वो ज़िले में सबसे बड़ा उर्स होगा और इसका नाम बहुत बहुत दूर तक रोशन है। देखिए हम लगातार जो यहाँ जो दन्ने साहा का जो उर्स है उसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए हम उर्स में पहुँचे हुए, हम आपको अपने चैनल के बरेली देहात न्यूज के माध्यम से आपको पूरा मेले का भ्रमण कराएंगे। देखिए बड़ी संख्या में यहाँ जो मेला लगा हुआ है, यहाँ जो देख रहे हैं आप कि देख रहे हैं बादाम सेब की रेड़ी है, बच्चों का खिलौना भी है और आप देख रहे हैं तरह तरह के यहाँ जो व्यंजन हैं वो भी बिक रहे हैं और आप देख रहे हैं बच्चों के मनोरंजन के लिए भी पूरी व्यवस्था इस मेले में है। आप देख रहे हैं बड़ी जो यहाँ जो देख रहे हैं आप सर्कस का भी पूरा इंतजाम है। आप देखते रहिए बरेली देहात न्यूज, हम आपको पूरा जो दन्ने साहा उर्स का जो मेला है हम उसके आपको पूरे दर्शन कराएंगे बरेली देहात न्यूज के माध्यम से। आपको हम पूरा जो मेला है देखिए, हम देखिए ये सामने आप देख रहे हैं बड़ा सा झूला है और आप सामने देख रहे हैं ये जो मौत का कुआं, जो कि बहुत ही प्रिय सर्कस है मौत का कुआं। ये मौत का कुआं रात में चालू होता है और आपको हम पूरा मेला दिखाते हैं बरेली देहात न्यूज के माध्यम से। देखिए बड़ी ही सुंदरता से ये देखिए ये ब्रेक डांस है और यहाँ जो तस्वीरें हैं जो उर्स की तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं। अभी आपने देखा बरेली देहात न्यूज के माध्यम से जो बाहर के जो पहलवान थे, जो उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों से जो पहलवान आए थे, हमने कुश्ती भी दिखाई आपको, अभी दंगल भी दिखाया आपको। हम सीधी तस्वीरें दिखाते हैं आपको बगरैन का जो उर्स है, दन्ने साहा बाबा का जो उर्स है, हम उसकी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए कितनी सुंदरता से मेला का आयोजन हुआ है। यहाँ देख रहे हैं आप बर्तन भी बिक रहे हैं। देखिए पूरा हम बरेली देहात न्यूज के माध्यम से आपको पूरे मेले के दर्शन कराते हैं। देखिए यहाँ बड़ी ही भव्यता से यहाँ जो मेले में दुकानें सजाई गई हैं आप देख रहे हैं। देखिए बड़ी ही भव्यता से जो मेले में दुकानें हैं और यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि बरेली के अलावा भी बदायूं ज़िले में पड़ता है, बदायूं के अलावा भी अन्य ज़िलों के लोग उर्स में शामिल होते हैं, उर्स देखने के लिए आते हैं। देखिए जो दन्ने साहा बाबा का जो उर्स है हम सीधी उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए हमारे साथ एक दुकानदार हैं, आइए हम उनसे भी जानते हैं। क्या नाम भैया आपका? सुरेश। कहाँ से आए भैया? ओला से। क्या कार्यक्रम है यहाँ? यहाँ पे कब लिख रहे हैं? फोटो छाप रहे हैं। कितना बिक जाता है? ऐसे ही हल्का काम है इसको तो। हल्का लॉकडाउन की वजह से हल्का है। देखिए हम और भी जो तस्वीरें हैं मेले की हम वो भी आपको दिखाएंगे। देखिए पूरा मेला आप देखिए बरेली देहात न्यूज पर आपको हम पूरा मेला दिखाते हैं। जो मेला है दन्ने साहा बाबा का जो उर्स है हम पूरा आपको बरेली देहात न्यूज के माध्यम से पूरी तस्वीरें दिखाते हैं, पूरे मेले का भ्रमण कराते हैं हम अपने चैनल के माध्यम से। देखिए जो दन्ने साहा बाबा का जो उर्स है बदायूं जनपद की बिसौली तहसील में बहुत ही भव्य जो उर्स है हम उसकी सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखते रहिए बरेली देहात न्यूज पर हम जो दन्ने साहा बाबा का जो उर्स है, जो उर्स में जो बड़ी सुंदर सुंदर दुकानें सजाई गई हैं हम उनकी भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखते रहिए बरेली देहात न्यूज पर जो मेला है हम उसकी पूरी तस्वीरें आपको, पूरा भ्रमण हम बरेली देहात न्यूज के माध्यम से हम पूरा मेला आपको दिखा रहे हैं। देखते रहिए, आप घर बैठे देखिए बरेली देहात न्यूज पर आप उर्स का जो आयोजन है, उर्स का जो यहाँ दन्ने साहा जो बिसौली क्षेत्र का बगरैन जो पड़ता है वहाँ बड़ी ही भव्यता से जो उर्स का जो प्रोग्राम है, उर्स जो बड़ी संख्या में यहाँ लोग आए हुए हैं। एक दुकानदार हैं उनसे भी जानते हैं। क्या नाम भैया आपका? चंद्रपाल जी। जी कहाँ से आए हैं? बगरैन से। क्या कार्यक्रम चल रहा है? सही कार्यक्रम चल रहा है। बिक्री विक्री हो रही है? ठीक हो रही है। कितनी बिक्री हो चुकी है अब तक? अब तक तो ऐसे ही थोड़ा रात का ही रुस होता है। रात का होता है तो क्या कहना चाहेंगे, लाखों लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सब बढ़िया होगा। देखिए हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अब हम बढ़ते हैं मजार की तरफ, हम मजार के भी आपको दर्शन कराएंगे बरेली देहात न्यूज पर। देखिए हमारे साथ एक भैया हैं, बाकायदा वो मेले की हमें वो जानकारी दे रहे हैं। देखिए हम सीधी जो तस्वीरें हैं पूरा हम आपको मजार भी दिखाएंगे और देखिए बड़ी संख्या में
यहाँ जो मेला देखने वाले लोग हैं बड़ी संख्या में आते हैं। देखिए हम बढ़ते हैं मजार की तरफ, भैया मजार की तरफ बढ़ते हैं हम, मजार देखिए अब हम मजार की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको मजार के भी हम दर्शन कराते हैं। देखिए यहाँ जो आप देखते रहिए बरेली देहात ब्रिज, हम जो उर्स है दन्ने साहब बाबा का उर्स है, हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको बरेली देहात ब्रिज पर। देखिए हमारे साथ प्रसाद भी विक्रा जानते हैं, क्या नाम है आपका? छोटे खां जी, क्या प्रोग्राम चल रहा है? ये उर्स का प्रोग्राम है। कितने दिन तक चलता है ये? ये रहें करीब 12-13 दिन। तो ये क्या बोलते हैं इसे? इसको सिरिनी जी, सिरिनी बोलते हैं, सिरिनी बोलते हैं जी। तो दिन में चढ़ती है, रात में भी चढ़ती है? रात दिन में दोनों टाइम चढ़ती है। बिक्री हो रही है? हाँ अभी तो ऐसी है। देखिए और भी यहाँ जो दुकानदार लोग हैं, आइए हम उनसे भी जानते हैं, हम पूरा जो मेला है जो उर्स है उसके हम पूरे आपको पूरी तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए और भी भैया हैं, हम उनसे भी जानते हैं। क्या नाम भैया? हमारा नाम मोहम्मद अजीम है। अजीम जी जी, लाखों लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? भाई ये बाबा का मेला है और दुकानदारी का मामला है भाई, और लाखों लोगों के लिए भाई प्रार्थना करते हैं, सबका काम धंधा बढ़िया चले भैया। कहाँ के रहने वाले हैं? हम सकानू के रहने वाले हैं, जगह सकानू के। हर बार आते हैं? पहली बार? हर साल आते हैं भाई साहब। हाँ देखिए लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए जो उर्स है, देखिए बड़ी बड़ी सुंदर यहाँ जो दुकानें सजाई गई हैं आप देख रहे हैं, बड़ी बड़ी दूर से यहाँ जो दुकानदार लोग हैं वो आए हुए हैं। और हम अब बढ़ते हैं मजार की तरफ, हम बाजार की तरफ बढ़ रहे हैं। और देखिए जो उर्स की तस्वीरें हैं हम बरेली देहात न्यूज के माध्यम से आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं, आप देखते रहिए बरेली देहात न्यूज। देखिए हम अब जो देखिए हम मजार की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे साथ भैया हैं उनसे भी जानेंगे। भैया 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 क्या बताइए, थोड़ा हमारे दर्शक देख रहे हैं, बताइए आप ये क्या स्थान है? ये है दन्ना शाह बाबा का मजार है जी। ये बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा पुराना मजार है, यहाँ पे जो लोग अपनी मुरादें दुआएं मांगते हैं, हमारे मुसलमान समाज के भी आते हैं, हमारे हिंदू समाज के, हमारे हर समाज के लोग आते हैं यहाँ पे, इनसे सबसे सबके लिए सच्ची अकीदत है। देखिए दन्ने शाह बाबा की जो मजार है हम उसके सीधे सीधे आपको दर्शन कराते हैं, और हम जानते हैं यहाँ जो सेवक हैं उनसे भी जानते हैं, यहाँ जो लोगों की जो आस्था का जो स्थान है हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? ऐसे बताइए ऐसे बताइए जी। हैदर साहब क्या प्रोग्राम है यहाँ सर? यहाँ सर जी क्या और से जुटा है जी, और जन्ना सामिया नाम जुटा और आप यहाँ सेवादार हैं? हाँ हम इसी मजार पे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आपको, लाखों लोग देख रहे हैं? हम प्राचीन जाते हैं, बढ़िया दुआएं सभी और दुआ होती हैं, दुआ करते हैं सभी कुछ बस। देखिए लगातार हमने आपको पूरा जो उर्स है दन्ने साहब का जो उर्स है उसकी हमने सीधी तस्वीरें आपको दिखाई हैं। देखिए यहाँ बड़ी संख्या में, यहाँ बड़ी संख्या में ये क्षेत्रीय लोग हैं, उनका कहना है या हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज के लोग यहाँ आस्था लेकर आते हैं और उनकी मुरादें पूरी होती हैं। देखिए हम सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए आप पूरा हम आपको भ्रमण कराते हैं दन्ने साहा बाबा का जो उर्स है उसकी हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए ईदगाह है, देखिए ईदगाह की तरफ हम बढ़ रहे हैं, हमारे साथ भैया हैं वो ईदगाह भी हमें दिखाने जा रहे हैं। देखिए ये ईदगाह है और देखिए ईदगाह की भी आप तस्वीरें देखिए सीधी, ईदगाह ये हमारा। भैया बताइए क्या स्थान है ये? ये ईदगाह है जी हमारा बगरैन का ईदगाह है। तो ईद के मौके पर यहाँ क्या? ईद के मौके पर यहाँ पे नमाज होती है। नमाज? हाँ। देखिए लगातार हमने आपको जो उर्स की तस्वीरें हैं दन्ने साहब बाबा जो उर्स की तस्वीरें हैं हमने पूरा जो उर्स का मेला है पूरा मेला आपको भ्रमण कराया, और लगातार हम आपको जो देहात
से संबंधित जो प्रोग्राम होते हैं, जो खबरें होती हैं, हम लगातार आपको दिखाते हैं। देखते रहिए बरेली देहात न्यूज। कैमरा पर्सन सर्वेश कुमार वर्मा के साथ RP वर्मा। जंगल है भाई, कोई काम जब मेरे जगह छोड़ोगे वहाँ जंगल है, जंगल होने हैं। अरे भारत ही चले मत जाइए यार।